इस फिल्म की खास बात ये भी है कि फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने रियल लाइफ बेटे अभिषेक के बेटे के किरदार में नजर आए थे। वहीं इस फिल्म में विद्या बालन ने अमिताभ की मां का किरदार निभाया था। कुछ ऐसे तैयार हुई थी ये बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्म जो आज भी सुपरहिट ही मानी जाएगी। पिता बेटे और दो प्यार करने वालों के कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों पर बनी इस फिल्म में अमिताभ ने एक प्रोजेरिया पीड़ित बच्चे का किरदार निभाया था। इस बीमारी में बच्चा बेहद कम उम्र में वृद्ध बन जाता है। फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन और विद्या बालन को 3-3 अवार्ड मिले थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन कैसे बने बच्चे, इससे जुड़ा भी एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। आगे जाने फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें और देखें अमिताभ का ऐसा रूप जो पहले कभी नहीं दिखा। इनकी जिंदगी पर बनी कहानी। अमिताभ बच्चन की ये फिल्म सैम बेरन्स की जिंदगी पर आधारित थी, जो कि अमेरिका के रहने वाले एक बेहद जाने माने एक्टिविस्ट थे। वे इस अजीबो गरीब बीमारी के बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाते थे। इनके आगे फीके पड़े